भारत लगातार बढ़ा रहा है गरीब देशों से दोस्ती। क्या गरीब देशों से भारत को मिलने वाला है खजाना? आखिर क्या वजह हो सकती है जो भारत लगातार गरीब देशों से नजदीकियां बढ़ा रहा है? दोस्तों, आज के वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जे शंकर की फोटो और वीडियो वायरल हुई थी। उन तस्वीरों में एस जे शंकर अफ्रीका के एक शहर में ट्रेन के जरिए सफर कर रहे थे और फिर वो युगांडा भी गए थे। आप सोच रहे होंगे कि अफ्रीका जैसे गरीब देश में ऐसा क्या है जो भारत के विदेश मंत्री अफ्रीका में घूम रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि कहीं भारत को अफ्रीका में कोई बड़ा खजाना तो नहीं मिल गया या फिर भारत अफ्रीका में कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं शुरू करने वाला है। वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। पहले ये समझते हैं कि वर्ल्ड मैप में अफ्रीका की पोजीशन क्या है। आपको बता दें कि अफ्रीका में कुल 54 देश हैं। भारत और अफ्रीका के बीच में इंडियन ओशन आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले कुछ समय से भारत के प्रधानमंत्री को सभी देशों के साथ बिजनेस मीटिंग और अन्य नए प्रोजेक्ट पर मीटिंग करते हुए देखा गया था। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में उन देशों के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित किए गए हैं जिनसे भारत की पहले कभी भी नहीं बनती थी। यदि भारत को अपनी तरक्की करनी है तो पड़ोसी देशों को दोस्त बनाना ही होगा। कुछ समय से भारत ने अन्य देशों के साथ तो अपने संबंध अच्छे बनाए हैं, इसके अलावा अफ्रीकी देशों के साथ भी मित्रता बढ़ाई है। हाल ही में ही भारत के प्रधानमंत्री को अफ्रीकी देशों में दौरा करते हुए देखा गया था। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री को भी हाल ही में दो अफ्रीकी देश युगांडा और मोजाम्बिक में दौरा करते हुए देखा गया है। भारत के विदेश मंत्री के द्वारा युगांडा में सोलर वाटर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा युगांडा के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक युगांडा के 25 जिलों में लगभग 5 लाख लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जा सकेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोजाम्बिक को भारत ने मेड इन इंडिया ट्रेन भी दी है। इसके अलावा भारत ने यहाँ पर 132 किलोमीटर हाईवे भी बनाया है। भारत सरकार के द्वारा समय समय पर अफ्रीकी देशों की मदद के लिए अलग अलग योजनाएं भी लाई जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा खुद अफ्रीकी देशों का दौरा किया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे, अफ्रीका तो गरीब देश है तो भारत को गरीब देश की मदद करके क्या मिलेगा? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सब भारत एक रणनीति के तहत कर रहा है। अफ्रीका में अपना दबदबा बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये रणनीति अपनाई जा रही है। वैसे अभी अफ्रीका के 54 देशों में से 29 देशों में भारतीय दूतावास है, लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार के द्वारा अफ्रीकी देशों में अपनी एक अच्छी पहचान बनाई जा रही है। इन तीनों अफ्रीका में एक कहावत भी काफी ज्यादा फेमस हो रही है, ये कि होपलेस कॉन्टिनेंट से होपफुल कॉन्टिनेंट। इसका मतलब ये है कि निराशा से भरा हुआ महाद्वीप अब आशा से भरा महाद्वीप होने वाला है। यही वजह है कि अब भारत अफ्रीका देशों में भी अपना इंटरेस्ट अधिक दिखा रहा है। भारत को भी यहाँ से एक उम्मीद नजर आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका देश भारत के कमर्शियल, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिकली रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये जानकर काफी हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात सच है। वैसे तो अफ्रीका देश काफी गरीब है, लेकिन यहाँ भरपूर मात्रा में काफी मिनरल्स हैं, जिसमें नेचुरल गैस, तांबा, सोना, चांदी, कोयला, यूरेनियम, कोबाल्ट और हीरे जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में हैं। लेकिन अफ्रीका देश इन सभी मिनरल्स को बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि इसके लिए अफ्रीका के पास अच्छा बजट होना चाहिए, लेकिन अफ्रीका देश अभी सक्षम नहीं है। इसलिए भारत अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंध को बेहतर बना रहा है ताकि भविष्य में जब भी भारत को मौका मिले तो वो मिनरल्स का इम्पोर्ट कर सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में भारत नेचुरल ऑयल, महंगे पत्थर और हीरे अफ्रीकी देशों से इम्पोर्ट कर रहा है और भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर भी है। भारत अफ्रीकी देशों को स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि रक्षा और सुरक्षा विज्ञान जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि चाइना बिजनेस करने के मामले में सभी देशों से आगे है। अफ्रीका के साथ चाइना के काफी अच्छे संबंध है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। चाइना के कई सारे प्रोजेक्ट अफ्रीका में चल रहे हैं। चाइना और भारत की अफ्रीका के साथ
साथ दोस्ती देखकर दूसरे देश काफी जल रहे हैं। चाइना की बात करें तो चाइना अफ्रीकी देशों को अपने जाल में फंसाने की काफी कोशिश कर रहा है। चाइना के द्वारा अफ्रीका के लगभग 42 देशों को बेल्ट एंड रोड योजना का नाम लेकर अपने झांसे में लेने की कोशिश की गई है, लेकिन अफ्रीका देशों को चाइना की चालाकी समझ आने लगी है, इसलिए अभी इन प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। आपको बता दें, चाइना का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो जितने भी देशों की मदद करता है तो उसके बदले में उन देशों से कुछ ना कुछ तो जरूर लेता ही है। चाइना फ्री में किसी भी देश की मदद नहीं करता है, ये बात अफ्रीकी देशों को समझ आ गई है, इसलिए वे अब चाइना से थोड़ा चालाकी से काम ले रहे हैं। आप चाइना की चालाकी देखिए, चाइना ने हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए अफ्रीका का सहारा लिया है। अफ्रीका के साथ साथ पाकिस्तान भी भारत को घेरने के लिए चाइना की मदद कर रहा है। चाइना ने हिंद महासागर पर 9 सैनिक बेस भी बना लिया है। ऐसा इसलिए ताकि चाइना को जब भी मौका मिले तो वो हिंद महासागर पर बनाई गई नौसेना बेस के जरिए भारत पर आक्रमण कर सके। भारत चाइना की हर चाल को समझ रहा है और अब चाइना की सभी चाल को नाकामयाब कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री के द्वारा हाल ही में युगांडा और मोजाम्बिक का दौरा किया गया है। यदि भारत के रिश्ते मोजाम्बिक के साथ अच्छे हो जाते हैं तो भारत को इससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और चाइना के द्वारा बनाए गए 9 सैनिक बेस का डटकर मुकाबला भी कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका पर सिर्फ भारत और चाइना की ही नजर नहीं है, बल्कि और दूसरे देशों के भी नजर है। अफ्रीकी महाद्वीप पर काफी जगह पर अमरीकी सेना तैनात है। इसके अलावा लगभग 2000 अमरीकी सैनिकों को अफ्रीका में अलग अलग देशों में ट्रेनिंग के लिए भी भेजा गया है, जिसमें लगभग 7,500 से अधिक फ्रांस सैनिक भर्ती किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर सभी देशों की नज़र अफ्रीका पर है और सभी देश अफ्रीका पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि अफ्रीका गरीब है। जो देश अफ्रीका की मदद करेगा, अफ्रीका का झुकाव उसी देश की ओर बढ़ेगा। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये जानकारी दी है कि अफ्रीका के साथ भारत इतनी नजदीकी क्यों बना रहा है, इंडिया को अफ्रीका से क्या फायदा हो सकता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का मौका मिले।